खबर यूपी लाइव आपकी खबर पेज ऐसा। गागल हेडी के सियाद माजरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालने का प्रयास किया, लेकिन गागल हेडी थाना प्रभारी भानु प्रताप महफोर्स ने मौके पर पहुंचकर सपाइयों को रैली निकालने से रोक दिया, जिस पर सपाइयों ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। समाजवादी के नेता अब्दुल गफूर के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता सैयद माजरा में इकट्ठा हुई, जिसके बाद गांव से कस्बा गागल हेडी के मेन चौराहे तक साइकिल यात्रा निकालकर किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन करना चाह रहे थे। वहीं साइकिल यात्रा शुरू होने से पहले ही थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह महफोर्स के साथ पहुंचे, जहां सभी कार्यकर्ताओं से साइकिल यात्रा न निकालने की बात कही और सभी से शांतिपूर्वक घर जाने के लिए कहा, जिस पर सभी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौट गए। सपाइयों का कहना है कि वह किसानों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर सरकार उन्हें रोक रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर गहरा आघात बताया। अब्दुल गफूर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, किसानों के हित में लड़ाई लड़ना सभी का अधिकार है और इसमें समाजवादी पार्टी गलत नहीं कर रही है। क्यों किस लोग के अंदर हमें रोकने कर रहे हैं आप? इन्होंने साफ कहा कि दफा 44 लागू है, ठीक है, दफा 44 लागू सिर्फ समाजवादियों के लिए थोड़ा है, किसानों के लिए भाजपा के प्रोग्राम भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, उनके लिए कोई दफा 44 नहीं होती। लेकिन आज हमारे 24 किसान शहीद हुए हैं जो कड़के की ठंड में पड़े हैं। आज हमने इतनी ठंड के बाद भी हम उनकी उस आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार 3 कानून लाने का काम किया है जो किसानों के खिलाफ है। किसान अपनी ही भूमि पे मजदूर हो जाएगा, उसकी जमीन को गिरवी रख लिया जाएगा, साहूकारों के हाथ में सरकार चली जाएगी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आडवाणी और अंबानी से केंद्र सरकार ने अगले चुनाव के लिए पैसा लेकर किसानों के खिलाफ ही अध्यादेश लाने का काम किया। ये किसान जो इतनी कड़के की ठंड में पड़े हैं और हमारे 24 किसान शहीद हो गए। लेकिन डेस्क रिपोर्ट खबर यूपी।